खुदा का शुक्र है अब ठीक है। हाय अप्पी, आप पे बुलडोजर चढ़ा तो नहीं? अगर चढ़ गया होता तो अब तक अप्पी का पापड़ बन जाता, वो भी पर स्क्वायर सेंटीमीटर 90 केजी का फोर्स अप्लाई होता। ये बताओ तुम दोनों को पता कैसे चला? अरे क्राउड में मेरी फ्रेंड भी थी ना सुनीता, उसने मुझे कॉल किया और बोला तेरी अप्पी तो बुलडोजर के सामने बैठी है, फौरन आ जा। फिर भी शहजादी साहिबा ने हेयर वॉश किए। हाय अल्लाह, तो क्या अपनी अप्पी को बचाने गंदे बाल लेके आती? अल्लाह नोजरो, हमारी दोनों बहनें ना थोड़ी सी पागल हैं। थोड़ी नहीं, पूरी पागल है। गाड़ी क्यों रोक दी? ये क्या कर रही हो तुम लोग? मैंने अभी अभी नया सीट कवर लगाया। खिड़की ऊपर कर, मेरे सीट कवर खराब हो जाएंगे यार। अब तू कहाँ जा रही है अभी? मुबारक हो आपको भी। तीनों के तीनों पागल है। आ जा रो। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए। मैं नहीं। चल 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 चल। यार ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, बारिश है बारिश। आसमान से बादल से पानी तो गिर रहे हैं, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है मेरी माँ? अभी बताती हूँ। अर्ज किया है इर्शाद इर्शाद। बादल से पानी है गिरता, बस इतनी सी बात नहीं। बादल से पानी है गिरता, बस इतनी सी बात नहीं। मिट्टी को ये आसमान का खते मोहब्बत है जाना। वावा, वावा। होगा आसमान का लव लेटर मेरी बला से। मैं गीली हो रही हूँ। आंखें बंद करके बारिश को महसूस करो, गीली होना बंद हो जाओगी और भीगना शुरू कर दोगी, समझी? व्हाटएवर आरजू, तू अपनी हाई फंडा मिर्जा गाली वाली बातें ना अपने पास रख, समझी? गालिब नहीं गालिब। गालिब? गालिब नहीं मेरी अम्मा, गालिब गालिब। हाँ मेरी अम्मा गालिब वाली जो भी हो, मैं गीली हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पहले दुआ तो मांग ले, कहते हैं पहली बारिश में जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। अल्लाह नोस, हम सच कह रहे हैं। मुझे कोई दुआ हुआ नहीं मांगनी, मैं जा रही हूँ, मैं गीली हो रही हूँ आरजू। अरे अल्लाह मियाँ, मुझे इस साल क्लास में टॉप करवा दीजिए ना प्लीज। अल्लाह मियाँ, आपने इतने रिच टाइप के लड़के बनाए हैं, एक मेरी लाइफ में भी भेज दीजिए ना। और प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा गुड लुकिंग होना चाहिए। अल्लाह मियाँ, हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो एक एक करके ये तीनों ग्रह खोल दें। मैं दुआ चेंज कर लूँ प्लीज? टॉप तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ। आप एक काम कीजिए, अपनी जो भी विश कर रही है उसे पूरा कर दीजिए प्लीज। आपके यहाँ से ली हुई 75 लाख की कार सड़क पर रुक गई है, एंड ऑल यू हैव टू से इज बारिश। इडियट, आई हेट रेन्स। वी लव रेन्स। मुझे बारिश से नफरत है। क्या हुआ सर? चेक किया, सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। Ha ha ha!
चौहान साहब जी, आप यहाँ के एमएलए हैं जी, हमारे खास आदमी जी, दोनों बातें आपने बिल्कुल सही कही। तो फिर ये कारखाना अब तक खड़ा कैसे है? कोर्ट से ऑर्डर हो गए, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हैं तो क्या हुआ, पैरों से तो हम उसे कुचल ही सकते हैं। मतलब इस दुनिया में रोज हादसे होते रहते हैं, एक हादसा इस कारखाने में भी सही। रोहन, आप कहना क्या चाहते हैं? हादसा हो जाएगा तो आप भी समझ जाएंगे। देखिए साहिर साहब, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे मेहमान मुश्किल में रहें ये हमें कतई पसंद नहीं। कारखाना हट जाएगा, अब कैसे हटेगा ये जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। ये सब करने के लिए ये गुलाम है ना साहिर बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा वो कारखाने वाला काम हो गया? जी नहीं, मगर हो जाएगा, मैं इनसे यही कह रहा था। लीजिए, तबस्सुम भी आ गई। आइए, आम नोश फरमाइए। कहने को तो ये आम है मगर है बहुत खास, बलियाबाद से मंगवाए हैं। खुशबू तो देखिए इनकी, गुलाब भी फैलाएं के आगे। लीजिए, दो भाई। हाँ, लीजिए ना। जी, शुक्रिया। एक काम तो खाना ही पड़ेगा। नो थैंक यू। तो फिर मैंगो शेक बना कर लो। जी नहीं, शुक्रिया। ऐसे कैसे? ये आम हमारे खास बगीचे के हैं। देखो, रिश्तों में हम तुम्हारे खाला जैसे हैं। एक काम तो खाना ही पड़ेगा। आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे आम पसंद नहीं। इजाजत। आप तो लीजिए। अब वो दरअसल साहिर को आम पसंद नहीं है। आम पसंद नहीं, पर ऐसा क्यों? छोड़िए, वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाएंगे। जारा, आम रख दो, कल ब्यूटी कंटेस्ट है ना, वजन बढ़ गया तो रोती रह जाओगी। अप्पी, खाने दीजिए ना। वैसे भी जब सोनाक्षी सिन्हा इतनी बड़ी हीरोइन बन सकती है तो इंशाल्लाह हमारा भी कुछ हो जाएगा। टैलेंट तो पहले से है नहीं, लुक्स खराब कर दोगी तो कैसे बनोगी तुम मिस इंडिया? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी मिस चश्मा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमें, वो तो बस मौका नहीं मिला है। पैदा तो मैं भी करीना कपूर हुई थी पर गलत शहर में हो गई। इंशाल्लाह जिस दिन मुंबई चले गए ना उस दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और दौलत हमारे हाथ। और रणबीर कपूर। रणबीर कपूर क्या? अरे हाय अल्लाह, क्या? अरे बता ना। नहीं, नहीं, ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर क्या चूमेगा? बता बता बता। अरे नौशीन, तुम्हारी बेटी सारा तुमसे कुछ कहना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर बता ना। कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। अरे बता ना। अच्छा धीरे से बता। जी अम्मी। नौशीन, जारा बोल। अरे वही तो बोल रही हूँ जो तुमने कहा है। जारा बोल रही थी कि उसके बाल गीले हैं ना, तो कह रही थी आज वो अम्मी से नहीं दादी आपसे सुखवाएगी। मैं सुखा देती हूँ। सुखा दो। लीजिए, आप ही सुखाइए। चल घूम जा। आप भी ना दादी। अर्जू, कपड़े बदल लिए ना, आओ बाल सुखाने। चलो आ जा।
जान बख्श दी आपने मेरी आज। बख्श दी ना। कत्ल हो जाना था मेरा। क्यों गई थी बारिश में भीगने? अम्मी आपको तो पता है ना कि पहली बारिश में जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो हमने मांगा कि हमारी नौकरी एक बड़े से शहर में लग जाए, तो हम आप सबको वहां लेकर जाएंगे। आरज़ू मुंबई के लिए दुआ करना। क्यों? अरे सारे टेस्ट मैच मुंबई में ही होते हैं ना, और फिर वो हमारे रवि शास्त्री साहब भी तो वहीं रहते हैं। आए हाय। Bless you. अम्मी कल मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। अरे बीमार पड़े तुम्हारे दुश्मन, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। बस खुश। साहिर कुछ नहीं, मैं बस ये बताने आई हूँ कि कल जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसमें तुम याद से आ जाना। मम्मी मैं। साहिर हम जानते हैं कि तुम्हें भीड़ वाली जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज मेरी खातिर। जैसा आपका। मालूम है साहिर, तमाम दुनिया में चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल हो जाए पर जब अपने शहर में इज्जत मिलती है तो उसकी खुशी अलग होती है। कल इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं चीफ गेस्ट होंगी, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और हो सकता है कि जिस तलाश में मैं यहां पर आई हूं वो पूरी हो जाए। आप पक्का यही खाएंगे? जी। ये देखिए। वाओ। हाय अल्लाह। कितना खूबसूरत। I love you, अम्मी। अरे अरे फेस पैक लग जाएगा। ये सब तुम भी लगा लिया करो कभी, थोड़ा सच सवर जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। अम्मी हमें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ हमें पता है कि तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, न चूड़ी न झुमके। मैं मुंह धो के आती हूँ। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, इतने रिश्ते आए पर ये एक के लिए भी राजी नहीं हुई। नौशीन बेटा तुम जानती हो ना उसका रिश्तों पर से यकीन उठ गया है, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद। अम्मी देखिए जारा कितनी खूबसूरत लग रही है। हाय अल्लाह चश्मे मत दूर। अम्मी हम जीत जाएंगे ना। जीतना तो तुम्हें है ही, इस ड्रेस में हमारी, अम्मी की, दादी की, मायरा की, सबकी दुआएं हैं। इंसान भले ही हार जाए पर दुआएं हमेशा जीतती हैं। अब देर क्यों कर रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। रोहिणी दी का वेट कर रही हूँ, वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है ना। अल्लाह नोज हमें तो पता ही नहीं था कि रोहिणी को भी ये चस्का है। ए हेलो, मुझे कोई चस्का वस्का नहीं है, वो तो जारा की जबरदस्ती है। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। जबरदस्ती 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 मेरी अम्मा। व्हाटएवर यार, इसने मुझे फोर्स किया था कि मैं इसका साथ दूँ। ये सारी बातें छोड़ो दीदी, आप इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस पहन रही है? मैं ये वाली ड्रेस, मेरी ए हॉस्टेस मासी मिलान से लाई है। अल्लाह बाकी का कहाँ है? बगली ये शॉर्ट ड्रेस है और शॉर्ट ड्रेस इतनी सी होती है। माशा अल्लाह। दीदी मैं ये ड्रेस पहन लूँ?
अप्पी, आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाई है, पर मुझे लगता है कि इस ड्रेस को पहनने से मेरे जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो लोग जज करने आ रहे हैं वो मुंबई से हैं, और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ये मॉडर्न ड्रेस अच्छी रहेगी। अल्लाह नोज, लोग मॉडर्न अपनी सोच से होते हैं, लिबास से नहीं। अप्पी, दुनिया लिबास देखती है, सोच नहीं। दुनिया क्या देखती है, दुनिया क्या सोचती है, अगर इसकी फिक्र भी हम करने लगे तो जिएंगे कब? अप्पी, मेरे पास आप जैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस या आप जैसा यकीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट ड्रेस पहनने से मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हें वाकई ये लगता है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर जो भी करो दिल से करो। थैंक यू अप्पी। इतना छोटा ड्रेस, लोग क्या कहेंगे? ड्रेस? कौन सा ड्रेस, मुझे भी दिखाओ। अरे ये ड्रेस है। अरे मेरी सास के पास तो इससे बड़े बड़े रुमाल थे। और तुम ये ड्रेस पहनोगी? इसके ऊपर कुछ पहन लेना। बुर्का बुर्का। दादी, अम्मी, कौन सा मैं ये ड्रेस पहन के इमामबाड़ा घूमने जा रही हूँ? कल ही पहननी है, सिर्फ एक घंटे के लिए। रोहिणी दी, ये आप रखो, मैं ये पहन के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई। कहिए रहमान साहब। माशाल्लाह, बहुत उम्दा ख्याल है, इतनी मुश्किलात से गुजर कर भी कारखाना सलामत है, इस बात का जश्न मनाना तो बनता है। जश्न? जब वो कारखाना बचने ही नहीं वाला तो एक दिन और खुशियां मना कर क्या कर लेंगे वो लोग। मुबारकबाद, हम आपको कल मिलकर देंगे। कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं आज में जीता हूँ। जो काम कल होना है वो आज क्यों ना। सिर्फ आज ही नहीं, कारखाने को कभी कुछ नहीं होगा। अल्लाह नोस, वो मुंबई वाला तो क्या, कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। हमारे रास्ते में जो आता है उसे हम हटा ही नहीं, मिटा भी देते। और आज की रात इस बात गवाह। इंशाल्लाह।